जैसे ही हमारे पास मुकम्मल हो गया कि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों दरियाफ्त हो चुके थे, गोल्ड स्क्रीन आए और प्रोटॉन दरियाफ्त कर दिया और जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद वक्त ने तब्दीली लाई और वक्त के साथ साथ सिस्टम आगे बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते एक वो साइंसदान आए जो कि स्टूडेंट थे हमारे पास गोल्ड स्ट्रीम के, जिनका नाम था रदर सॉरी जेम्स चैडविक, जिनका नाम था जेम्स जेम्स चैडविक। अब ये जो हजरत थे जिनका नाम जेम्स चैडविक था, इन्होंने हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। अब हुआ क्या कि ये काम कर रहा था चीजों के मास गिनने पर, यानी कि ये अंदाजा लगा रहा था कि चीजों का मास क्या है। अब जैसे कि हमें पता था उस वक्त लोगों की सोच थी कि किसी भी एटम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है दूसरा प्रोटॉन होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त के गुजरने के साथ साथ इसने आके उन चीजों को नापना शुरू किया कि वाकई में इसका वजन इतना है जितने इसके अंदर प्रोटॉन और जितने इसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद है। तो इसने जब ये किया तो इसने क्या किया, एक तराजू रखी और उस तराजू के अंदर आप समझ लें कि इसने एक हाइड्रोजन फिर दूसरा हाइड्रोजन रखा, यानी दो हाइड्रोजन रखे, क्योंकि इसने हीलियम के साथ इसे नापने की कोशिश की, क्योंकि हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन थे और हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन, एक इसके अंदर दोनों क्या होने चाहिए थे, दो के बराबर हो जाने चाहिए थे, और हीलियम का जो न्यूक्लियस होता वो दो के बराबर होता। अगर दोनों चीजें दो दो के बराबर होती तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि दोनों साइड से जो हमारी तराजू होती वो बराबर खड़ी हो जाती। पर जब इसने ऐसा किया, यानी एक तरफ दो हाइड्रोजन रखे और एक तरफ एक हीलियम रखा, हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन मौजूद थे, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन था, इस वजह से इसने दो दो कर दो हाइड्रोजन रखे एक हीलियम रखा। क्योंकि उस वक्त लोगों की सोच थी कि क्या होता होगा, सिर्फ और सिर्फ वजन किसका होता होगा, इस प्रोटॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन ना होने के बराबर था। इस वजह से इसने कहा कि भाई प्रोटॉन का वजन होगा तो दो हाइड्रोजन रख देते हैं और एक हीलियम रख देते हैं, जब दोनों साइडें आपस में बराबर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। पर हुआ क्या, जब इसने ऐसा किया तो इसने देखा ये जो हीलियम था, जो H2 था जिसके अंदर दो प्रोटॉन मौजूद थे, ये अभी भी भारी था और तराजू कुछ इस तरह से खड़ी हो गई। इस तरफ दो हाइड्रोजन रखने के बाद भी जो तराजू थी, जिस चीज में तोला गया था, जिस सिस्टम के थ्रू तोला गया था, तराजू में आपको मिसाल दे रहा हूं, जिस सिस्टम के थ्रू इसे तोला गया था, उसमें हुआ क्या कि हाइड्रोजन अभी भी ऊपर थे। अब इसने क्या किया, एक और हाइड्रोजन रखा, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन ऊपर थे। लेकिन जब इसने इसके ऊपर चौथा हाइड्रोजन रखा तो फिर ये रिएक्शन कुछ और तब्दील हो गया। अब हमारे पास जो हीलियम न्यूक्लाई था वो, और जो हमारे पास चार हाइड्रोजन थे, चार हाइड्रोजन ये आपस में क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। हाइड्रोजन कितने थे, चार थे, और हीलियम कितना था, एक था। तो अब इस साइंटिस्ट यानी जेम्स चैडविक के जहन में एक ख्याल उभरा कि यार ऐसा कौन सा मसला है कि इसमें प्रोटॉन दो है, इसमें प्रोटॉन हाइड्रोजन में एक होता है, अब चार है तो चार प्रोटॉन, यानी यहां पर प्रोटॉन कितने हो गए, चार, और यहां पर प्रोटॉन कितने हो गए, एक। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा था, दोनों का मास चार प्रोटॉन उस तरफ आ रहे थे और इस तरफ एक प्रोटॉन आ रहा था, फिर बराबर हो गया। तो इस बंदे ने यहां पर ये बात कही कि मुझे लगता है कि कोई और भी पार्टिकल है जो पार्टिकल किसी एटम के वजन के अंदर काम करता है या जिसकी वजह से एटम का वजन बनता है। तो इस सारे फेनोमेना को जहन में रखने के बाद हुआ क्या, हुआ ये कि इसने आगे इसके ऊपर तजर्बात और मुशाहिदात शुरू कर दिए। रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसके अंदर एक बड़ा कमाल का काम हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट आया उस वक्त रदरफोर्ड, जिसने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। रेडियो एक्टिव मटेरियल किसे कहते हैं, ऐसा मटेरियल जिसमें से श्वाएं खुद ब खुद बाहर निकल रही हो, या जिस जो अनस्टेबल मटेरियल होता है जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल कहलाता है। इसमें से ऑटोमेटिकली सारा दिन जो श्वाएं होती हैं, जो रेजेस होती हैं, वो बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। हर वक्त इसमें से रेजेस बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल। अब ये जो हमारा रेडियो एक्टिव मटीरियल है,
इसमें से स्वाएं निकल रही होती हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने इसके सामने आके एक स्क्रीन खड़ी कर दी, लेकिन वो जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी इसकी दो हिस्से थे, एक हिस्सा यहां तक सारा का सारा पॉजिटिव था और एक हिस्सा यहां तक सारा का सारा नेगेटिव था, और जो दरमियान वाला हिस्सा था इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं थी, यानी कि ये हिस्सा यहां तक नेगेटिव और ये हिस्सा यहां तक पॉजिटिव था, लेकिन दरमियान वाले हिस्से पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं थी। इसमें से निकलने वाली श्वाएं, तो कुछ ऐसी श्वाएं थी जो जैसे ही निकली तो सारी नेगेटिव की तरफ चली गई, बहुत सारी श्वाएं ऐसी थी जो जैसे ही निकली नेगेटिव की तरफ चली गई, और बहुत सारी श्वाएं ऐसी थी जो जैसे ही निकली तो सारी की सारी पॉजिटिव की तरफ चली गई, लेकिन चंद श्वाएं ऐसी थी जो जैसे निकली तो इसके बिल्कुल ही दरमियान में से गुजरी। अब साइंटिस्ट ने सोचा ठीक है भाई, जो नेगेटिव साइड में गई हैं, जो नेगेटिव सिस्टम के तरफ गई हैं या नेगेटिव साइड की तरफ गई हैं, उनके ऊपर तो सीधी बात है पॉजिटिव चार्ज होगी, यानी वो प्रोटॉन से बनी हुई होगी, और जो पॉजिटिव तरफ गई हैं सीधी बात है उन पे माइनस चार्ज होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस तरफ गए होंगे। लेकिन बड़े परेशानी की बात ये थी कि जो दरमियान से निकल रही हैं ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, तो फिर ये कौन सी श्वाएं हैं? तो साइंटिस्ट ने उस वक्त इन श्वाओं का नाम न्यूट्रल रखा, जिसे हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इन पे कोई भी चार्ज नहीं, ना तो इन पे प्लस है, अगर प्लस होती तो इस तरफ चली जाती, माइनस होती तो इस तरफ चली जाती, ये न्यूट्रल है जो आगे जाके न्यूट्रॉन के नाम से मशहूर हुई। और जेम्स चैडविक ने इस फिनोमेना के थ्रू, एक और रिएक्शन भी आता है उसके थ्रू, इन्होंने क्या कर दिया, डिस्कवरी कर दी न्यूट्रॉन की। ये जो पॉजिटिव रेज होती हैं इन्हें हम लोग अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। याद रखिए दो प्रोटॉन जब आपस में मिलते हैं, दो प्रोटॉन, तो उन्हें अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, एक अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन मौजूद होते हैं, इसीलिए हीलियम न्यूक्लाई जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, बीटा रेज, वो थी अल्फा रेज और ये हमारे पास है बीटा रेज, और जो न्यूट्रल होती है इन्हें हम लोग कहते हैं गामा रेज। इस तरह से हमारे पास तीनों पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो किसने दरियाफ्त किया, इलेक्ट्रॉन जो किया दरियाफ्त जे जे थॉमसन ने दरियाफ्त किया, ये दरियाफ्त हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया प्रोटॉन, जो किसने दरियाफ्त किया, ये दरियाफ्त किया गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। और इसके बाद हमारे पास आ गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन किसने दरियाफ्त कर दिया, जेम्स चैडविक ने। जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात वो ये थी कि जे जे थॉमसन का स्टूडेंट था उसका नाम था गोल्डस्टीन, और जो गोल्डस्टीन का स्टूडेंट था उसका नाम था जेम्स चैडविक, यानी ये टीचर्स और ये स्टूडेंट्स इतने अनमोल निकले कि इन्होंने एटम के मेन पार्टिकल्स के नाम दे दिए। अब साइंसदान इस पे मजीद रिसर्च कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनके ऊपर इनके ये भी किसी चीज से बने हुए हैं और उनका नाम जेड पार्टिकल है, जेड। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग कहते हैं कि अभी तक प्रोटॉन के सिर्फ तीन हिस्से हैं, सॉरी एटम के तीन हिस्से हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने दरियाफ्त किया। अब जब ये चीजें हो गई तो मजीद एटम के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक और साइंसदान आए जिसका नाम था रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड एक अमीर शख्स था, रदरफोर्ड एक अमीर शख्स था, और रदरफोर्ड ने बड़े कमाल का काम यह किया, इतना अमीर था कि कहते हैं कि उसके जो घर था उसके अंदर जो वॉशरूम होते थे उसके जो दरवाजों के कुंडे लगे होते थे वो भी सोने के लगे होते थे, इतना अमीर था। और इसने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनाई हुई थी जहां पर बहुत ज्यादा लोग रिसर्च कर रहे होते थे, फिर जो उनकी रिसर्च होती थी उन्हें वो पैसे देता था और उस रिसर्च को खरीद लेता था और खरीदने के बाद लोगों के सामने पेश किया करता था। तो ये रदरफोर्ड साहब थे जिन्होंने एटम के ऊपर मजीद रिसर्च की, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, इसने सोने का एक सिक्का लिया, फिर उस सिक्के में से सोने का एक एटम लिया, क्वाइन ऑफ गोल्ड, और फिर उस क्वाइन ऑफ गोल्ड में से इसने क्या किया, एटम ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एक एटम ले लिया। अब क्या किया इसने, वो गोल्ड का एटम इसे बीच में रखा, बीच में रखने के बाद इसने यहां पर अल्फा पार्टिकल्स जो मैंने अभी आपको बताया
कि जब दो हीलियम न्यूक्लाई मिल जाते हैं, सॉरी एक हीलियम न्यूक्लाई जिसमें दो प्रोटॉन मौजूद हो उसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा पार्टिकल इसने लिए। अब अल्फा पार्टिकल्स के साथ इसने क्या किया, इन अल्फा पार्टिकल्स को इसमें से गुजारा। ये बहुत स्पीडी होते हैं और आसानी से अच्छी खासी चीजों में से गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से इसने अल्फा पार्टिकल गुजारे। कितने गुजारे इसने, 8000 अल्फा पार्टिकल इसने गुजारे। अब ये 8000 अल्फा पार्टिकल जो इसमें से गुजारे, तो कई ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो इजीली इसमें से निकल गए, यानी कि हमारा जो सोने का सिक्का था, सोने के सिक्के का जो एटम था सॉरी, उसमें से सारे के सारे पार्टिकल ऐसे इजीली निकल गए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि एक पार्टिकल यहां से वापस बाउंस बैक हो गया, और एक पार्टिकल यहां पर इससे टकराने के बाद इस तरफ निकल गया, और एक पार्टिकल टकराने के बाद इस तरफ निकल गया। तो ये बात जब रदरफोर्ड के जहन में आई, रदरफोर्ड जब इसके ऊपर सोचने लगा, तो इसने कहा कि नहीं, ये जो सोने के सिक्के का एक एटम है, जो एटम ऑफ गोल्ड है, इसमें से जब मैं इतने पार्टिकल गुजार रहा हूं, तो 7997 पार्टिकल्स वो हैं जो इसमें से पास आउट हो रहे हैं। कितने कितने सारे के सारे इसमें से पास आउट हो रहे हैं, पर बाकी 3 हैं जिसमें से एक तो बिल्कुल बाउंस बैक हो रहा है वापस, 3 पार्टिकल जो हैं उसमें से एक तो बाउंस बैक हो रहा है वापस आ रहा है, और बाकी जो हैं वो टर्निंग पॉइंट पर हैं, वो टर्न हो जाते हैं। तो इसने कहा ऐसा क्यों हुआ। बहुत टाइम तक सोचने के बाद ये जो रदरफोर्ड साहब थे, ये इस बात पे जाके पहुंचे, इसने कहा कि एटम इज 2 पार्ट, इसकी थ्योरी थी इसने, इसने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑन 2 पार्ट्स, एटम कंसिस्ट ऑन 2 पार्ट्स, एटम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका उसने नाम दे दिया, फर्स्ट पार्ट उसका इसने नाम दिया न्यूक्लियस, इसने कहा वो न्यूक्लियस होता है, और जो सेकंड पार्ट उसका इसने नाम दे दिया एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ एटम, या एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ एटम। अब इसने कहा ऐसा मैंने क्यों कहा, इसने कहा मैंने ऐसा इस वजह से कहा कि इसके बीच में वो जो ठोस चीज है उस पर कोई ना कोई सेम चार्ज है। अल्फा पार्टिकल जितने भी होते हैं इनके ऊपर चार्ज होती है, प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज होती है। अब जब ये यहां से गए और यहां पर भी वे पॉजिटिव, तो एक जैसी चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपल करती हैं, यही वजह है कि यहां पर जब इस जगह पे लगा तो ये टकरा के वापस आ गया। तो इसका मतलब इसके बीच में कोई ना कोई ठोस चीज मौजूद है जिसका नाम इसने न्यूक्लियस रख दिया। दूसरी बात इसने क्या की, दूसरी बात इसने की कि जब यहां से ये चीजें जाती हैं आगे, और ये जो टर्न बैक हुआ ये भी इस वजह से हुआ कि पॉजिटिव साइड थी, ये बिल्कुल इसके करीब से गुजर रहा था, तो पॉजिटिव ने इसे थोड़ा सा धक्का दिया, जैसे ही धक्का दिया तो ये टर्न हो गया। इसकी टर्निंग भी क्यों हुई, टर्न भी इस वजह से हुए, दोनों ये पार्टिकल ऐसे इस वजह से बढ़े कि बीच में वही चार्ज मौजूद थी जो इन पार्टिकल्स पर थी, जो इन पार्टिकल्स पर चार्ज थी वही इनके बीच वाले हिस्से पर चार्ज थी, इस वजह से ये बेचारे सीधे होके मुड़ गए, और बाकी एक बिल्कुल जो बीच में से गया वो वहां टकराने के बाद वापस रिटर्न हो गया। तो 7997 पार्टिकल जो थे वो तो गुजर गए। अब वो जिस हिस्से में से गुजरे सीधी बात है वो बड़ा हिस्सा है जिसका नाम इसने एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ एटम दिया। इसने कहा इसके अंदर सारी अलग अलग चार्जेस है, सेम चार्जेस नहीं है, जो बड़ा हिस्सा है इसके अंदर सेम चार्जेस नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, इस वजह से ये वहां से गुजर जाते हैं, और ये जो छोटा हिस्सा है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज हिस्सा है, पॉजिटिव पार्ट है, जिसकी वजह से ये करंट बैक हो रहे हैं। तो इसने ये बात भी साबित की कि जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है, एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरी इसने बात की कि ये हमारे पास होता है स्मॉल, होता है स्मॉलर पार्ट है, और कितना स्मॉलर, साइंटिस्ट देखते हैं कि हमारे पास क्रिकेट मैच का एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के अंदर अगर एक छोटी सी गेंद रख दी जाए तो बड़े ग्राउंड में गेंद कितनी छोटी लगेगी, तो कहते हैं कि न्यूक्लियस किसी एटम के अंदर इतना छोटा होता है जितना एक बड़े ग्राउंड के अंदर एक छोटी सी गेंद दिखाई देती है। फिर दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट, अब ये जो था सारा का सारा किससे बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है, और ये सारा का सारा किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब पहली बात तो इसने कर दी जो हमारे पास रदरफोर्ड ने की, वो क्या की, इसने कहा कि एटम के दो हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस दूसरा एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अब दूसरी बात इसने की कि जो एटम होता है इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रोल कर रहे होते हैं, यानी गोल दायरे होते हैं, एक ऐसे एरिया होते हैं
जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवोल्व कर रहे होते हैं। ये किसकी सोच थी, ये हमारे पास रदरफोर्ड की सोच थी, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था, पर इसने एक गलती कर दी। इसने कहा कि जो क्लासिक फिजिक्स होती है वो हमें कहती है कि जब कोई बॉडी मूव करती है, यकीनन वो घूमती रहे घूमती रहे घूमती रहे, आखिरकार वो किसी एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाती है कि उसकी सारी एनर्जी जाया हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वापस जाके इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसने कहा कि ये भी एक बॉडी है, इसमें भी कोई ना कोई एनर्जी है। अब यकीनन क्या होगा, एक वक्त के बाद ऑटोमेटिकली ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जाके उसके अंदर गिर जाएगा, और गिरने की वजह से क्या हो जाएगा, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। ये इसकी गलती थी। जब इसने ये गलती की तो कुछ वक्त गुजरने के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसने इस गलती को सुधार के एक नया मॉडल मुतारफ कराया कि हमारे पास एटम किस तरह का है। लिख लें इसे। अब जो दूसरा हमारे पास साइंसदान आया उसका नाम था नील बोहर। नील बोहर बड़ा होशियार और बड़ा मेहनती और एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला शख्स था। इसका नाम था नील बोहर। अब ये जो जनाब नील बोहर थे, इसने कहा कि अर्नेस्ट ने बिल्कुल सही बात, सॉरी रदरफोर्ड ने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन उसने कुछ गलतियां की हैं जिन्हें मैं सवारने के लिए यहां पर आया। ठीक है, इसने सबसे जो पहली और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात की, इसने कहा कि माना कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इसने कहा कि ये जो रदरफोर्ड ने हमें बताया है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहा है, उसने बिल्कुल सही बताया है। इसने कहा इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। इसने दूसरी बात, अच्छा ये यहां लिख लेता हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन रिवोल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, पहली बात इसने ये। फिर जो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवोल्व करता है ना तो ये एनर्जी को लॉस नहीं करता, ये घूमेगा एक मखसूस मदार में पर ये एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। यानी इसका जो दूसरा नुकता था, उसने कहा कि जिस ग्राउंड में जिस एरिया में ये घूम रहा है, इसका इसने नाम दिया था ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर, या इसे हम लोग आजकल क्या कहते हैं, शेल। ये जो शेल है, ये जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसने कहा कि इसकी भी फिक्स एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन की। तो पहली बार इसने क्या कर दी कि इलेक्ट्रॉन रिवोल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। दूसरी बात इसने की हमारे पास आके कि जो इलेक्ट्रॉन होगा जो रिवोल्व कर रहा है उसके चारों तरफ, ये एनर्जी भी लॉस नहीं करेगा और इस ऑर्बिट की भी क्या होगी, एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। तो इसने कहा द सर्कुलर पाथ एट विच इलेक्ट्रॉन रिवोल्व, वो सर्कुलर पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है, इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। यानी जिसे हम लोग शेल या ऑर्बिट ऊपर कह के आए हैं उसे दूसरा क्या कहा जाएगा, एनर्जी लेवल कहा जाएगा। अब इसने दूसरी बात कह दी जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसने कहा ये इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी लेवल में है तो सीधी बात है एक मखसूस टाइम के बाद, एक खास वक्त के बाद, यानी खास डिस्टेंस के बाद क्या होगा कि एक और भी एनर्जी लेवल आएगा। पहला एनर्जी लेवल, फिर एक मखसूस डिस्टेंस, उसके बाद दूसरा एनर्जी लेवल, इसके बाद तीसरा एनर्जी लेवल, तो ये सारे के सारे एनर्जी लेवल इसके अंदर आते जाएंगे। उसने कहा फिर कहने लगा कि ये जितने भी एनर्जी लेवल होंगे इन सब की अपनी अपनी और अलग अलग एनर्जी होगी। तो इसने कहा कि ये सारे एनर्जी लेवल हैं जिन्हें हम ऑर्बिट भी कहते हैं, जिन्हें हम शेल भी कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करता है, इन सब की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी मौजूद होती है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस बात के ऊपर तजाद था रदरफोर्ड का, वो क्या थी, वो बात ये थी कि रदरफोर्ड की सोच थी कि ये इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा इसके अंदर तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होगा, गिर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि इसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी में घूम रहा होता है और ये एनर्जी को खारिज नहीं करता, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथ रिवॉल्विंग नो
गेन और लॉस एनर्जी, ना तो गेन करेगा एनर्जी को ना तो एनर्जी को लॉस करेगा, उसके अंदर एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज फिक्स्ड, एनर्जी इज फिक्स्ड, एनर्जी क्या है फिक्स्ड है इन ऑर्बिट और शेल, ऑर्बिट या शेल के अंदर एक एनर्जी फिक्स्ड है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन या ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब इस लेवल से इस लेवल में आएगा, सीधी बात है जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी एनर्जी उसके पास क्या होगी, कम होगी, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी एनर्जी उसके पास ज्यादा होगी। तो जब ये न्यूक्लियस के इस लेवल में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस यानी कि बड़े लेवल से छोटे में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। लेकिन जब इस छोटे लेवल से बड़े लेवल में जाएगा, इस शेल का नाम होता है K, इसका नाम होता है L, इसका नाम होता है M, तो जब K से L में जाएगा यानी इससे इसमें आएगा या इससे इसमें आएगा, दोनों सूरतों में क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, सॉरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ये बाहर वाले शेल में आ सकेगा। लेकिन जैसे ही ये ऊपर वाले शेल यानी एम से के की तरफ आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। लॉस क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पर एनर्जी क्या है, इसके अंदर हाई है और यहां पर एनर्जी क्या है, लो है। न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन क्यों मौजूद है, इस वजह से मौजूद है कि उस बेचारे के पास इतनी ताकत ही नहीं कि वो न्यूक्लियस से दूर जा सके, अगर उसके पास ज्यादा ताकत होती तो वो जंप करके न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर चला जाता, पर ऐसा नहीं है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम घूम के अपनी एनर्जी छोड़ देता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी गिर जाता है। पर हमारे पास नील बोहर साहब आए, उन्होंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका एक मखसूस दायरा होता है पर वो एनर्जी को लॉस या गेन नहीं करता, जिसकी वजह से वो गिरता कभी नहीं, उसकी एनर्जी फिक्स होती है और वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो ये न्यूटन की एक स्ट्रक्चर थी जो हमारे पास किसने साबित कर दी, नील बोहर ने। इसने आखिरी वाली जो बातें की है बड़े काम की है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन लेवल टू एन अदर लेवल, जब एक लेवल से किसी और लेवल में जंप करेगा यानी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, तो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अगर एनर्जी, तो गेन भी हो सकती है एनर्जी और लॉस भी हो सकती है एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट और एन भी पॉइंट है इसका हमारे पास जनाब बोहर साहब। फिर जो इसने आखिरी बात की, जो इंपॉर्टेंट बात की उसने, वो उसने कहा कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिससे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, इसमें जितनी एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी इसमें होगी, क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर है, ये करीब है न्यूक्लियस के और ये न्यूक्लियस से दूर है, और जैसे ही इससे आगे वाले में जाएगा इसमें डिस्टेंस और बढ़ जाएगा जिसकी वजह से एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एनर्जी भी बढ़ती हुई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जितनी थ्योरीज की आइटम की वो आपको समझ में आ गई होंगी। 9th तक हम लोग यहां पर यही पढ़ रहे हैं सूरत से टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से। अब इसके बाद हमारे पास एक सिंपल टॉपिक आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। तो चलें अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आइसोटोप्स। एक साइंसदान था, साइंटिस्ट, जिसका नाम था सोडे, SODEY, सोडे। अब ये जो साइंटिस्ट थे हमारे पास मिस्टर सोडे साहब, इसने क्या बात की, ये ग्रीक लैंग्वेज में बड़ी महारत रखते थे क्योंकि ये ग्रीक थे, जो जर्मन थे, जिसकी वजह से इसने ग्रीक जबान का एक नाम जिसे हम कहते थे आइसो।
अब असल में लफ्ज क्या था, आइसोस एक ग्रीक वर्ड था, ग्रीक वर्ड जो असल में क्या था, आइसोस। अब इस आइसोस की मायना होती थी सेम, और जो दूसरा वर्ड है टॉप्स, टॉप्स ये भी एक ग्रीक वर्ड था, इस टॉप्स की जो मायना होती थी प्लेस, सेम प्लेस, वहां से इसने क्या नाम किया था, आइसोटॉप। कहते हैं दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनका प्रोटॉन सेम हो, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, यानी हम कह सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो, प्रोटॉन का नंबर क्या हो, सेम हो, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। इसों को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स कहेंगे। इसे कभी कभार ऐसे भी डेफिनेशन लिखी जाती है कि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर। तो आपको जो भी इजी लगे वो आप लिख लें, जिनका मास नंबर डिफरेंट हो और जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। पर कैसे, हम इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक हमारे पास है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। अब ये जो हजरत हाइड्रोजन साहब हैं, ये हमारे पीरियोडिक टेबल के पहले एलिमेंट है, इसके पास प्रोटॉन की तादाद एक होती है। हमारे पास तीन तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन जिसके अंदर प्रोटॉन एक है, दूसरा हाइड्रोजन जिसके अंदर प्रोटॉन एक है, और तीसरा भी इत्तेफाक से हाइड्रोजन होता है जिसके अंदर प्रोटॉन एक है। पर इसके अंदर न्यूट्रॉन होते ही नहीं, जीरो न्यूट्रॉन है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है और इसके अंदर दो न्यूट्रॉन है। अब होता क्या है, होता यह है कि इसका जब हम मास बनाए, इसका जब हम वजन करते हैं तो इसका वजन मिलता है वन, इसका जब हम मास नंबर फाइंड आउट करते हैं तो इसका मास नंबर वन और वन कितने हो जाते हैं, टू, इसका मास नंबर बन जाता है हमारे पास थ्री। तो मास तीनों का डिफरेंट है बट प्रोटॉन इनके अंदर क्या है, सबके अंदर सेम। इसका मतलब कि ऐसे जिनके अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम हो बट इलेक्ट्रॉन का नंबर, सॉरी न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन जिनके अंदर सेम हो बट न्यूट्रॉन जिनके अंदर डिफरेंट हो तो उनका मास नंबर ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाता है। जब मास नंबर डिफरेंट हो जाता है फिर क्या होगा, तो वो हमारे पास एलिमेंट पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाता है। दूसरे एग्जांपल है हमारे पास कार्बन होता है, इसके अंदर भी छह प्रोटॉन, इस दूसरे कार्बन में भी छह प्रोटॉन, इस तीसरे कार्बन में भी छह प्रोटॉन, इसके अंदर छह ही न्यूट्रॉन, इसके अंदर सात न्यूट्रॉन, इसके अंदर आठ न्यूट्रॉन, इसका जो मास बन जाता है वो बनता है बारह, इसका जो मास बन जाता है वो बनता है तेरह, इसका जो मास बनता है वो बन जाता है चौदह। तो इस तरह भी क्या हो गया, मास चेंज हो गया, हैं तो सारे कार्बन ही पर मास इनके अंदर क्या है, चेंज है, लेकिन प्रोटॉन की तादाद इनके अंदर सेम है। तो ऐसा प्रोसेस या ऐसा सिस्टम या ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मास नंबर चेंज हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप कहलाएंगे। ये जनाब मिस्टर सोटे साहब ने कहानी मुकम्मल की थी, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। तो जहां तक एटम का जो तारुफ था वो मुकम्मल हुआ, और कुछ चीजें हैं इसे वसी मैदान में अगर लेके जाएंगे तो फिर हम नाइन्थ से थोड़ा और आगे चले जाएंगे। तो यहां तक नाइन्थ में हम लोगों ने ये मुकम्मल कर दिया है, अब इससे आगे इंशाल्लाह और चलते हैं। तो अब देखेंगे हमारे पास के नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है और नेक्स्ट केमिस्ट्री किस तरह जा रही है। तो जनाब जब हम लोग आइसोटॉप्स का जिक्र मुकम्मल कर लेते हैं तो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कि किस तरह से एलिमेंट्स किसी और के साथ रिएक्शन करते हैं, और अगर वो एलिमेंट्स किसी और के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्यों करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एलिमेंट्स किसी और एलिमेंट के साथ क्यों रिएक्शन करते हैं और
उनको ऐसी कौन सी आ पड़ी होती है कि वो बेचारे आगे रिएक्शन करते हैं। तो जी वाई एलिमेंट रिएक्ट विथ ईच अदर, रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्यों रिएक्शन करते हैं। तो जनाब असल मसला ये है कि ये एलिमेंट्स रिएक्शन करने की कुछ वजूहात हैं, कुछ खास वजूहात हैं। सबसे पहले ये एलिमेंट्स एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास होते हैं वांट टू कंप्लीट देयर ऑब्जेक्ट, वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो सारे के सारे चाहते हैं कि उनका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अब ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब ऑक्टेट क्या होता है, व्हाट इज ऑक्टेट, ये वो कॉन्सेप्ट है जो जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको सारी बॉन्डिंग जो है कि केमिकल जब रिएक्शन करते हैं क्यों करते हैं, ये चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। पर पहले ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, आपने अपनी कॉपी पे ये साथ साथ राइट करते जाना है। कहते हैं एलिमेंट्स वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये रिएक्शन इसलिए करते हैं कि ये चाहते हैं कि हमारा जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। और अब कहते हैं व्हाट इज ऑक्टेट, ऑक्टेट किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑक्टेट, तो उसने कहा कि ऑक्टेट वैलेंस शेल व्हेन एन एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल, इन देयर लास्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का ऑक्टेट क्या रहेगा जब उसके आखिरी शेल में कितने हो, 8 मौजूद हो। जब 8 इलेक्ट्रॉन किसी शेल के आखिरी शेल में मौजूद होते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, ऑक्टेट। अब एग्जांपल है हमारे पास, ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर कुल मिला के मैं कहता हूं कि 10 हमारे पास क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो पहले में आ गए 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 8। अब हम देखें कि इसके आखिरी शेल में लास्ट शेल इज 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग कहेंगे ऑक्टेट। अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते, जब 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लेट, और जब 8 मौजूद होते हैं तो उसे कहते हैं ऑक्टेट। तो जब किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है स्टेबल, यानी वो एलिमेंट जिसके पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो स्टेबल हो जाता है और फिर वो किसी से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो अब वनेरा बन जाता है। तो कहता है दोज एलिमेंट्स व्हिच इज 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल आर स्टेबल एलिमेंट्स, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स कहते हैं। एट ए ग्रुप यानी जो नोबल गैसेस का ग्रुप है जो सबसे आखिर में लिया जाता है इज स्टेबल ग्रुप बिकॉज इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल। इसके आखिरी शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज, क्या कहलाएगा, नोबल ग्रुप, और हम इसे कहते हैं नोबल गैसेस।
क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे के सारे नोबल हैं जो किसी से रिएक्शन करते ही नहीं, वडेरे बंदे चस छा के तो खामोशी से बेचारे बैठे हुए होते हैं, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि पहले से ही स्टेबल है। तो जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, पर जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते वो बेचारे किसी ना किसी से रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो अब ये हमने जो यहाँ पर एक एटम का बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, कैसे बनाया है, तो आ जाते हैं इस एटम के स्ट्रक्चर को सीखने के लिए कि हम लोग इस एटम के स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। मिटाता हूं इसे, लिख लिया होगा यकीनन आपने। यहां पर क्या है हमारे पास, हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम किसी एटम की स्ट्रक्चर को कैसे डिवाइड ड्रा करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, सोडियम है, कोई आपको बता दे इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये हमारे पास मैग्नीशियम है, कोई आपको बता दे इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये आपके पास पोटासियम है, कोई आपको बता दे इसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास क्लोरीन है, कोई बता दे इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब कहें कि आप इनका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो याद रखना है, आपने एक रूल याद रख लेना है कि हमारे पास जो एटम होता है, जो एटम हमारे पास होता है, इसके चारों तरफ ऐसे शेल होते हैं। पहले शेल का नाम है के, एल, एम और एन। हमने याद रखना है कि हमने इनको एन से डिनोट करना है। अब जो के के वन है तो हम लिखेंगे एन वन, एन टू, एन थ्री, एन फोर, एन फाइव, एन सिक्स, एन सेवन एंड सो ऑन, और इस तरह से ये चलते जाएंगे। यानी मैंने ये जो एक ऑर्बिट रखा है यहाँ पर, जो ये एक ऑर्बिट वन कहलाता है, दूसरा टू, तीसरा चार और फिर पांच, फिर छह, फिर सात, ऐसे बनते जाएंगे आगे जितने भी आप बनाना चाहो। आपने एक रूल याद रख लेना है, आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपके पास एन वन है तो इसमें आपने ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन डालने, ज्यादा से ज्यादा 2। और अगर एन टू है तो इसमें आपने 8, एन थ्री में 8, फिर इसके बाद 18, फिर दोबारा 18, फिर आपने 32 और फिर आपने 32। इस रूल को फॉलो करना है, यानी कि आपने क्या लगाना है, सबसे पहले 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। दो आपने एक बार लिखना है, बाकी सारे आपने दो दो बार लिखना है। अगर आपने इस तरह से इसे बनाने की कोशिश की तो आप सारे के सारे रंगे आसानी से बना लेंगे। अब हम सोडियम का बनाने की कोशिश करते हैं। सोच रहे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस में हम सोडियम का बना रहे हैं, तो ये जो पहला गोल दायरा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, पहले में आ गए 2, दूसरे में आ गए कितने आ सकते हैं, दूसरे में आ सकते हैं 8, तो पहले में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10, लेकिन अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन से चाहिए, 1। तो ये हमने एक और गोल दायरा लगाया। अब आप कहेंगे सर इसमें आपने 8 नहीं डाले, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 2 पहले में आ गए, 8 दूसरे में और इसमें खत्म हो गए, तो एक ही मैंने लिखा। अब बताएं कि क्या ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो जी ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जब 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा। अब मैग्नीशियम की तरफ चलते हैं, पहले के अंदर मैंने क्या लिखा है, 2, तो पहले राउंड में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लगा लेंगे, दूसरे के अंदर 8 आ सकते हैं, 2, 4, 6 और कितने हो गए, 8, तो दूसरे लेवल में 8 आ गए, लेकिन 8 और 2 हो गए 10, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे दोबारा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताएं कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबल सिर्फ वो होगा, पीछे हमने पढ़ा, स्टेबल सिर्फ वो होगा जिसके आखिरी शेल में कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद। अब अगर इसमें आ जाए तो पहले में आ गए 2, दूसरे में आ गए 8, और अगर तीसरे में चले जाए तो फिर आ गए 19 है ना, 10, फिर आ गए 8,
दो चार ये छह ये आठ, और क्योंकि पहले में दो दूसरे में आठ तीसरे में आठ, इसलिए मैंने पहले में दो रखे दूसरे में आठ तीसरे में भी आठ किए, अब चौथे में जितने बचे तो बचता ही एक है, इस वजह से इसके 19 पूरे हो गए। जब इसके 19 पूरे हो गए तो इसके भी आखिरी में कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है, इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा अनिश्चित बंध। वो सारे के सारे जिनके आखिरी में क्या आ रहा हो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा हो वो अनस्टेबल कहलाएंगे। इसका बनाए तो इसका भी अनस्टेबल का बनेगा, पहले में दो दूसरे में आठ, दो और आठ कितने हो गए दस, दो दो चार छह आठ, अब इसमें कितने आ जाएंगे दो और आठ दस, इसमें सात आ जाएंगे, एक यानी दो चार ये हो गए छह और ये हो गए सात। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कमी चाहिए, इसे एक सात पड़े हुए हैं पर एक चाहिए, फिर भी ये क्या कहलाएगा अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों कहलाएगा, क्योंकि अभी भी इसे एक की जरूरत है, अगर आठ पूरे होते तो फिर वो क्या कहलाता स्टेबल। न्योन है हमारे पास, इसके पास दस इलेक्ट्रॉन है। अब इसका अगर बनाए तो पहले में आ गए दो दूसरे में आ गए आठ, तो दस पूरे हो गए, पहले में दो दूसरे में आठ, तो दो और आठ दो और आठ दस, तो दस पूरे हो गए, तो बना ये हमारे पास क्या हो गए स्टेबल, क्योंकि इसके आखिरी शेल में कितने मौजूद है दो चार छ आठ, ये न्यूक्लियस है बीच में, ये जो मैंने इनके बीच में ये जो दायरा लगाया हुआ है ये क्या है न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी एलिमेंट का डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं। अब ये कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप अभी वीडियो को पॉज करें और इन्हें करने की कोशिश करें। एफ नौ के बराबर इसकी आपने शक्ल बनाई है फ्लोरीन की, कि भाई फ्लोरीन के हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं। इसके बाद आरबी रुबिडियम, इसमें 37 होते हैं, तो आपने इसकी भी क्या बना लेनी है शक्ल बना लेनी है। कार्बन इसके अंदर 6 होते हैं, इसकी भी आपने क्या करनी है शक्ल बना लेनी है। तो ये जैसे मैंने ये वाली शक्लें बनाई है सेम इसी तरह से आपने इन लोगों की भी क्या करनी है शक्लें बना लेनी है। और ये सबसे सिंपल ये लिथियम, इसके पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे चार हमारे पास ऑप्शन है, इनकी आप लोगों ने क्या कर देनी है शक्लें बना देनी है। अगर आप चार की बना जाते हैं तो यकीन जानिए आप समझ लें कि आपने सारे एलिमेंट्स की सारे हमारे जो एटम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए, बिल्कुल आसान है अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो कोई मसला नहीं। अब आगे चलते हैं, जब हमें पता लग गया कि वो चीजें जो अनस्टेबल होती हैं वो रिएक्शन करती हैं, जो चीजें अनस्टेबल होती हैं वो क्या करती हैं रिएक्शन करती हैं, तो अब वो जो रिएक्शन करती हैं उस सिस्टम को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है बॉन्ड, उसे कहा जाता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, इट इज अट्रैक्शन फोर्स, ये एक अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स माना जो दो चीजों को आपस में मिला दे, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मैग्नीशियम है प्लस ये हमारे पास ऑक्सीजन है, रिएक्शन किया तो इन्होंने MgO बना दिया। अब पहले ये दोनों अलग थे, मैग्नीशियम अलग था ऑक्सीजन अलग था, पर अब ये आपस में क्या हो गए एक हो गए, तो ऐसा सिस्टम जो चीजों को आपस में एक बना दे। अब जैसे कि हम लोग सोच लें कि ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन है प्लस ये हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, ठीक है नहीं, तो हाइड्रोजन कितने चार, टू टू जा फोर, तो ये कितने चार, एक कार्बन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये CH4 बन गया, एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब ये पहले हाइड्रोजन अलग था और ये हमारे पास कार्बन अलग था, लेकिन यहां पर ये आपस में क्या हो गए कंबाइन हो गए, तो जब कंबाइन हो गए तो लाजमी कोई तो इसकी ताकत थी कुवत थी जिसने इन लोगों को आपस में जोड़ा है, तो वो जो जोड़ा है उस ताकत को क्या कहा जाता है बॉन्ड कहा जाता है, इट इज अट्रैक्शन फोर्स। बॉन्ड उसे कहते हैं जो दो चीजों को आपस में क्या करते मिला दे। अब जो बॉन्ड होता है इसकी हमारे पास एक साम होती है, तो बॉन्ड इज टू टाइप्स, बॉन्ड इज टू टाइप्स, इसकी दो एक साम है, बॉन्ड इज टू टाइप्स, एक जिसे हम लोग क्या कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक, और जो दूसरा होता है उसे क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक हमारे पास हो गया आयोनिक बॉन्ड और एक हमारे पास हो गया कोवेलेंट बॉन्ड।
अब देखेंगे कि इन दोनों के अंदर आखिरकार क्या डिफरेंस है। और भी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, पर ये मेन टाइप्स हैं, हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी पूरे नाइन्थ के अंदर सर ये तो एग्जाम जो है वो ज्यादातर काम आने वाली है। दूसरे भी एक दो एलिमेंट दिए गए हैं पर बहुत कम है, इसलिए हम मेन हमारी जो टाइप्स हैं आयोनिक एंड कोवेलेंट जो आपको आगे भी जाके काम देंगी उनको करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड। कहते हैं व्हेन कंप्लीट डोनेशन और एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन कंप्लीट डोनेशन और एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। उसे क्या कहेंगे हम, आयोनिक बॉन्ड। कहता है जब हमारे पास कंप्लीट डोनेशन या एक्सेप्शन, या तो इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ मुकम्मल चला जाए या तो किसी से मुकम्मल ले लिया जाए, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कहता है व्हेन शेयरिंग बिटवीन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स के दरमियान क्या हो, अगर इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सोडियम है जिसकी हमने डायग्राम यहां पर अभी बनाई थी, पहले में आ गए दो, दूसरे में आ गए आठ और तीसरे में आ गया एक, इसमें आ गए आठ, इसके अंदर ग्यारह इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में आ गए दो, दूसरे में आठ और तीसरे में एक, और दूसरा क्लोरीन हमने बनाया वहां पर, इसके पहले में दो, दूसरे में आठ और तीसरे में सात, दो चार छह सात। अब क्या होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्यों देगा, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है, ये चाहता है कि मेरे आखिरी शेल में दो आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो इसका ये शेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ही एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो वो रास्ता भी खत्म हो जाएगा, जहां पर लोग चलना छोड़ देते हैं वो रास्ते खत्म हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी जब इस रास्ते पे चलना छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ चला गया तो ये रास्ता भी खत्म हो जाएगा। अब होगा क्या, रिएक्शन होने के बाद होगा ये कि ये जो हमारे पास सोडियम था इसके पहले में आ जाएंगे दो, दूसरे में आ जाएंगे आठ, और जो हमारे पास क्लोरीन है इसके पहले में आ जाएंगे दो, दूसरे में आ जाएंगे आठ और तीसरे में भी आ जाएंगे आठ। तो हमने देखा अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया तो शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी, इस तरफ कितने दायरे हैं, एक दो तीन, और इस तरफ कितने हो गए, एक दो, ये भी सोडियम है और ये भी क्या है, क्लोरीन, लेकिन यहां पर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सत्रह, यहां पर इसके पास है ग्यारह, यहां इसके पास हो गए दस, यहां इसके पास हो गए अठारह। वजह क्या हुई कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन ही उसे दे दिया तो फिर क्या होगा, फिर यह सिस्टम हुआ, ऐसा बॉन्ड जब कोई अपना मुकम्मल इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, या कोई और एटम क्लोरीन जैसा हो जो क्या करे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन उसे ले ले, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। इसी तरह से आपने डायग्राम बनाना है, एमजी, एमजी बना मैग्नेशियम, इसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने इसे इसके साथ रिएक्शन करा के क्या बनाना है, MgO। तो अब ये डायग्राम आपने बनानी है और आपने ये देखना है कि किस तरह से ये आपस में रिएक्शन करते हैं और कैसे ये हमारे पास एलिमेंट बनता है। इसके बाद आ जाते हैं कोवेलेंट की तरफ, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कोवेलेंट होता है वो क्या होता है, इसमें शेयरिंग होती है। मिसाल के तौर पर मैंने एक एग्जांपल दे दी कि एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन, इसे हम लोग मीथेन कहते हैं। अब हुआ क्या कि हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, ये किसी को अपना मुकम्मल इलेक्ट्रॉन बेचारा दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास होता ही, आपको मुझे सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद इसके पास एक, इसके पास, इसके पास सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास। अब क्या होगा, कार्बन के पास कितने होते हैं, कार्बन के पास होते हैं छह इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के आखिरी शेल में, आखिरी शेल में कार्बन के पास है चार इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की कोशिश होती है मैं कुछ भी करूं
पर किसी भी जगह से चार इलेक्ट्रॉन लूं ताकि मेरे आखिरी शेल में आठ हो जाएं। और हाइड्रोजन की कोशिश होती है मैं कुछ भी करूं एक तो है एक और ले लूं, कम से कम दो तो हो ही जाए। ठीक है, तो दो करने के चक्कर में हाइड्रोजन कोशिश करता है और कार्बन हमेशा कोशिश करता है कि मैं आठ करूं। तो अब क्या होता है, ये अपना आधा इलेक्ट्रॉन पार्शियल पार्शियल चार्ज होता है उसे देता है। ठीक है, और ये पार्शियल चार्ज इसे देता है, तो आधा इलेक्ट्रॉन इसका इस तरफ आ जाता है और आधा इलेक्ट्रॉन इसका उस तरफ। तो यानी कि ये छोटा हो जाता है, जैसे कि हम एक चिप्स ले लें और आधा चिप्स मैं खाऊं और आधा चिप्स आप खाएं, दोनों एक ही चिप्स से खाएं, तो जब दोनों एक चिप्स से खाएंगे आधा आधा करके तो फिर क्या होगा, वो शेयरिंग हो जाएगी। या एक बंदा कोई दुकान खोल ले और फिर वो जो दुकान खोले उसमें आधा हिस्सा उसका हो और आधा हिस्सा उसके दोस्त का हो, तो वो भी क्या कहलाएगी, वो भी शेयरिंग कहलाएगी। तो जब शेयरिंग हो रही हो यानी आधा हिस्सा हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा हो, आधी ताकत इसकी आधी ताकत